So we have discussed plane wave, and the derivatives of plane wave were discussing. First was warp rib, second was weft rib. Warp rib means vertical extension, lengthwise extension of plane wave. This was plane wave. इसकी एक वर्टिकल एक्सटेंशन हो गई. वेफ्ट रिब वॉज वेफ्ट वाइज एक्सटेंशन ऑफ इट. नाउ बोथ वार्प एज वेल एज वेफ्ट वाइज इन बोथ कैन बी डन. दिस इज कॉल्ड एज होपसेक वीव. दिस इज थर्ड डेरिवेटिव. सी हेयर, ये दिस इज एक्सटेंडेड लेंथ वाइज एज वेल एज विड्थ वाइज. दिस इज होपसेक वीव. नाउ हाउ दिस इज डन, let us say this is the basic weave, this is plane weave, and if we want to extend it four up four down, hopsec weave, so we will be extending it four times and then four times. Isko bhi ye four times aise ho jayegi extend, aur ye wala second wala bhi four time aise, फोर अप फोर डाउन, और ऐसे ही ये फोर टाइम्स इधर एक्सटेंड होगा और फोर टाइम्स इधर. तो अब आप देखो ये क्रॉस है, फोर टाइम्स ऐसे एक्सटेंड हो गया और फोर टाइम्स विड्थ वाइज, तो इट मींस फोर इंटू फोर का स्क्वायर बन गया. ये भी फोर टाइम्स ऊपर एक्सटेंड हो रहा है और नीचे क्या लिखा है फोर, यहां क्या लिखा है फोर, तो ये फोर टाइम ऐसे एक्सटेंड हो रहा है फोर टाइम ऐसे, तो ये कितने ब्लैंक बन गए फोर इंटू फोर. अब इस पर आते हैं, ये फोर टाइम तो लेंथ वाइज एक्सटेंड हो रहा है और फोर टाइम्स विड्थ वाइज, तो ये भी फोर इंटू फोर बन गया. ये फोर टाइम्स लेंथ वाइज एक्सटेंड हो रहा है और फोर टाइम्स विड्थ वाइज, तो ये क्रॉस भी फोर इंटू फोर बन गए. तो कितने हो गए, फोर प्लस फोर एट, फोर प्लस फोर एट, लेट अस मेक इट एट इंटू एट, फोर ये एट था, इसका हाफ किया फोर, इसका हाफ किया टू, और इसमें फिर भर दिया एक और लाइन, हो गया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, ऐसे ही विड्थ वाइज. हाफ ऑफ एट इज फोर, देन हाफ इज टू, देन हाफ इज टू, फिर इसका एक एक हाफ और कर दो. ऐसे ही बनाने हैं ये खाने, कहीं अपने अलग से बनाओगे. अगर यहां से बनाना स्टार्ट करोगे वन टू थ्री फोर, आखिरी में हो सकता है सेवन तक जाए या नाइन तक हो जाए. तो इसी तरह अब क्या करना था, पहले क्रॉस को फोर टाइम्स लेंथ वाइज और फोर टाइम्स विड्थ वाइज एक्सटेंड करना है. फोर टाइम्स ये लेंथ वाइज एक्सटेंड कर दिया और फोर टाइम्स विड्थ वाइज, यानी ऐसी ही चीज चार बार इधर हो गई. ये फर्स्ट हो गया, ये सेकेंड एक्सटेंशन, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये डायगोनली एक्सटेंड हो गया फोर टाइम्स फोर इंटू फोर. अब ये क्या है फोर, ये चार ये हैं और चार बार ये खाली, तो ये चारों बार खाली रह गया, तो वी विल नॉट टच इट, ये ब्लैंक रहेगा आखिरी नेक्स्ट. इसमें भी बेसिकली देखोगे तो दो स्टेप बने, ये फोर और ये फोर का अलग, ये दोनों अपोजिट होते हैं एक दूसरे के. तो जैसे ये भरा है अब ये फोर आ गए, फोर में ये पहले चार तो रह गए ब्लैंक और ऐसे भी चार, तो ये और ये ऐसे चार ब्लैंक रह गए. फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, यहां पर ये चार ऊपर गए भरने हैं और चार विड्थ वाइज, चार ये ऊपर भरने हैं और चार विड्थ वाइज, वन टू थ्री फोर, ये पूरा भरना है फोर इंटू फोर में हो जाएगा. दिस इज फोर अप फोर डाउन होपसेक वीव. अब थोड़ा इसे चेंज करते हैं, चेंज करने से हमें पता लगेगा ये फाइव अप थ्री डाउन है, ये तो ऑलरेडी बना हुआ है आपका फाइव अप थ्री डाउन, फाइव फाइव थ्री थ्री, तो वी विल मेक अनदर वन फोर अप टू डाउन बनाते हैं हम. फोर अप टू डाउन कैसे बनेगा, इरेगुलर फोर अप टू डाउन होपसेक वीव. लेट अस ड्रॉ प्लेन वीव. हो गया, ये ऐसे फोर टाइम्स एक्सटेंड होगी और ऐसे फिर
टू टाइम्स, फिर ये ऐसे फोर टाइम्स और ऐसे टू टाइम्स, तो फोर ये वाला तो बन जाएगा फोर इंटू फोर में, देखो फोर इंटू फोर, ये वाला बन जाएगा फोर इंटू टू, ये वाला बन जाएगा टू इंटू फोर, ये दो टाइम ही एक्सटेंड होगा क्योंकि टू टाइम्स है ना इधर, इधर फोर टाइम्स, और ये क्रॉस है ये इधर राइट साइड में टू टाइम्स एक्सटेंड होगा और ऊपर भी टू टाइम्स, तो टोटल कितना होगा फोर प्लस टू सिक्स वार, फोर प्लस टू सिक्स वेफ्ट, तो रिपीट साइज क्या आया सिक्स इंटू सिक्स, लेट अस ड्रॉ सिक्स इंटू सिक्स, सिक्स थ्री ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब लेट अस फिल इट, ये फोर टाइम्स ऊपर जाएगा, फोर अप टू डाउन है, फोर टाइम्स वन टू थ्री फोर, और ये ऐसे फोर टाइम जाएगा, यानी यही चीज फोर टाइम्स इधर होगी, वन टू थ्री फोर, ये ऐसे फोर टाइम्स बढ़ गया, फोर इंटू फोर भर आ जाएगा, हो गया। अब ये ऊपर वाले ये दो खाली रहेंगे और ऐसे फोर तक, ये दो खाली रहेंगे वन और टू और ये फोर तक, वन टू थ्री फोर, हो गया। अब नेक्स्ट पे आओ, नेक्स्ट में क्या है, ये टू है तो टू यहां है और ये फोर ऊपर तक, वन टू थ्री फोर, और ऐसे टू टाइम्स ये ब्लैंक रहेंगे। उसके बाद में क्या है, ये दो तो इधर है बार और दो वेफ्ट में, यानी ये दो ऊपर और दो बार विड्थ वाइज, तो दिस इज फोर अप टू डाउन, फोर अप टू डाउन, फोर अप टू डाउन, दिस इज होपसेक वीव, जैसे आपकी मैट चटाई होती है उसमें ऐसे डले होते हैं, ये देखिए, ये सी दिस, इसमें कितने थ्री अप थ्री डाउन, इसमें क्या थ्री डाउन थ्री अप, इसमें कितना है थ्री अप फोर डाउन, ठीक है, तो ये कितने फोर अप थ्री डाउन, एक्चुअल में थ्री अप फोर डाउन, थ्री अप फोर डाउन, तो ये फिर फोर अप डाउन थ्री अप, ये ऐसे बनेगा, ये बन गया। अब इससे नेक्स्ट ये चीज ये बन गया, ये फाइव अप थ्री डाउन है, वन टू थ्री फोर फाइव, और ऐसे ही फाइव टाइम्स, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव अप थ्री डाउन, और फिर ये है वन टू थ्री फोर फाइव, ये ऐसे करोगे तो ये थ्री टाइम्स और ऐसे फाइव टाइम्स खाली रहेगा, और ये इससे अपोजिट वन टू थ्री अप और थ्री अप, तो ये एट इंटू एट में फाइव अप थ्री डाउन बन गया। नाउ दिस इज अ पर्टिकुलर डिजाइन, देखो कुछ डिजाइन अच्छा सा लग रहा है, इसे बोलते हैं फैंसी बास्केट वीव, बास्केट मैट है, मैट वीव है, और ये डिजाइन में है काफी अच्छा। ये कैसे बनती है, कई बार आ जाता है फैंसी बास्केट वीव, इट मीन्स अगर हम लिखते हैं फोर अप वन डाउन, इससे ओपोजिट आगे लिखेंगे वन अप फोर डाउन, लेट अस से इफ वी आर राइटिंग थ्री अप टू डाउन, तो ओपोजिट टू अप थ्री डाउन, या फिर थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, तो हम ये बनाते हैं छोटे वाला, दिस इज कॉल्ड एज फैंसी बास्केट वीव, होपसेक ही है। तो क्या करेंगे, ये ऐसे थी ये प्लेन वीव, दो ब्लॉक थे, पहला ब्लॉक दूसरा, तो ये बन गया थ्री अप ये वन, थ्री अप वन डाउन, थ्री अप वन डाउन, सो दिस विल बी थ्री इंटू थ्री एंड दिस विल बी वन इंटू थ्री, ये हो जाएगा थ्री इंटू वन, ये हो जाएगा वन इंटू वन। अब फिर से लो इसे, अब क्या है वन अप थ्री डाउन, तो ये एक्सटेंड हो गई इधर, इसी तरह इधर भी एक्सटेंड होगी, ये तो हो गया थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, तो इधर तो नहीं हुई, तो इधर भी करते हैं इसको ऐसे ही, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, और क्रॉस तो जैसे प्लेन वीव के थे वो भर दो इसमें। तो अब ये क्या बना, सपोज करें हम इसको लेते हैं, इसको लेते हैं, चलो तीन ब्लॉक्स में ऐसे विड्थ वाइज, पहले थ्री अप आएंगे, फिर वन डाउन आएगा, फिर थ्री वन अप आएगा और फिर थ्री डाउन, फिर एक सिंगल का ब्लॉक आ जाएगा, उसमें
थ्री ये डाउन आएंगे, फिर वन अप आएगा, फिर वन डाउन आएगा, फिर थ्री अप आएगा। अब उससे नेक्स्ट एक का ही ब्लॉक होगा, वन का। इस वन के ब्लॉक में ये थ्री टाइम्स अप आएगा, वन टाइम डाउन आएगा, वन टाइम अप आएगा और थ्री टाइम्स डाउन आएगा। इससे नेक्स्ट ब्लॉक ये तीन का ब्लॉक बनेगा, वन टू थ्री विड्थ वाइज, ये थ्री है। इसमें पहले तीन ऐसे वन टू थ्री खाली आएंगे, फिर वन सिंगल लाइन एक भरी आएगी, फोर्थ लाइन, फिफ्थ लाइन खाली आएगी, सिक्स सेवन्थ एट्थ लाइन, यो तीन 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 सिक्स सेवन्थ एट्थ लाइन आपकी इसमें भरी आएगी। तो लेट अस काउंट इट, थ्री प्लस वन ऐसे करते, थ्री प्लस वन फोर, प्लस वन फाइव, प्लस थ्री एट, एट वार्प हो गए, थ्री फोर फाइव थ्री एट, एट वेफ्ट हो गए। तो रिपीट साइज क्या आया, हमें क्या चाहिएगा, एट इंटू एट। लेट अस ड्रॉ एट इंटू एट, नाउ दिस इज एट इंटू एट वी हैव मेड। तो अब ये कैसे बनेगा, तीन का एक पेयर, ए थ्री अप वन डाउन, वन अप और थ्री डाउन, ऐसे ही इधर थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन का पेयर। अब फिल करते हैं, पहले क्या है भरा हुआ है, तो ये थ्री में वन थ्री अप भर दिया, थ्री में भर दिया, ये तीनों, यानी ये तीन तीन जोड़े तीनों वार्प एक जैसे होंगे, ये वार्प अलग होगा इससे, फिर एक वार्प आएगा, फिर ये तीनों वार्प एक जैसे होंगे, ये हो गया थ्री अप, फिर क्या है वन डाउन, ये देखो इधर वन डाउन, फिर वन अप थ्री डाउन, तो वन अप, तो ये तीनों में वन अप कर दिया, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, हो गया फिल ये तीन के पेयर में। अब इससे नेक्स्ट ये वाला इससे ऑपोजिट होगा, ये हो गया थ्री डाउन वन अप थ्री अप, या इसको कह लो कि जहां जहां ये तीन में क्रॉस था तो यहां इसमें क्रॉस नहीं आएगा, इसमें क्रॉस नहीं है तो इसमें आएगा, इसमें है तो यहां नहीं आएगा, ये फिर अगले तीन में नहीं है तो ये आ गया, ये इससे ऑपोजिट, ये वाला इससे ऑपोजिट, एग्जैक्ट अपोजिट होगा तो ये ऑपोजिट है, ये ऑपोजिट से ऑपोजिट है तो ये और ये सेम होंगे, ये और ये सेम होंगे, फिर इससे ऑपोजिट ये है तो ये और ये सेम होंगे। तो इसको फिल करें, या तो इसको देखकर फिल कर लो जैसे ये है, या फिर इससे ऑपोजिट कर लो, ये ब्लैंक 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 है तीनों, तो ये मैंने क्रॉस लगा दिया, या क्रॉस है तो ब्लैंक, ब्लैंक है तो क्रॉस, क्रॉस क्रॉस है तो ब्लैंक ब्लैंक। अब ये वाला इससे ऑपोजिट, क्योंकि यहां पर क्रॉस है तो यहां ब्लैंक रखेंगे, यहां पर क्या है ब्लैंक तो यहां क्रॉस, तीनों में यहां क्या है क्रॉस है तो ये ब्लैंक, यहां ब्लैंक है तो क्रॉस तीनों में, यहां ब्लैंक है तो यहां क्रॉस तीनों में, यहां ब्लैंक है तो यहां क्रॉस तीनों में। ये बन गया है आपका डिजाइन, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन। इसे फैंसी बास्केट वीव कहते हैं डिजाइन। ये डिजाइन देखो, ये रहा डिजाइन, ठीक है। अब इसका ड्राफ्ट और पैक प्लान बनाते हैं इस डिजाइन का। तो ये 800 वार्प हो ही गए, इस ये पहले में गया तो ये दूसरे में गया, ये इसके सेम है तो पहले में आ जाएगा, ये दूसरे में, तो दो ही चाहिए हमें हील शाफ्ट, इसका यहां बीच में से फोर टू वन वन। तो ये फर्स्ट में गए, पहले तीन, ये वाला इससे ऑपोजिट है, ये ऊपर चला गया, ये इससे सेम है तीनों से तो ये फर्स्ट में आ गया, ये तीनों इससे अपोजिट हैं लेकिन ये इससे सेम है, ये सेकंड में है तो ये तीनों सेकंड में आ गए। और अब पैक प्लान, दो हील शाफ्ट हैं तो दो का इसके बीच से बराबर कर लो, तो पहले की वर्किंग कैसी है, पहले की ये वाली वर्किंग है, कोई सा भी ले लो, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन, थ्री अप वन डाउन, वन अप थ्री डाउन। और दूसरे की वर्किंग, इसकी वर्किंग इससे ऑपोजिट है, तो जहां यहां ब्लैंक है यहां क्रॉस कर दो, यहां ब्लैंक है क्रॉस, क्रॉस, ये तीनों, ये आपका बन गया है।